आपको मेरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे, जैसे कि हम कोई दुपट्टा वगैरह बनाते हैं तो उसका किनारे आउटलाइन हम किस तरह से देंगे। देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, देखिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा। तो ये जो आप देख रही हैं दुपट्टा तैयार कर रहे हैं, हम 18 इंच के जुगल जोड़ी का दुपट्टा तैयार कर रहे हैं। तो हम सोचे क्यों ना हम आप लोगों को इसमें से एक छोटा सा ये भाग बतलाएं, क्योंकि काफ़ी हमारे पुराने चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसमें काफ़ी कमेंट्स भी आता है कि ये साइड का यानी कि आउटलाइन में जो आप डाले हुए हैं वो किस तरह से है, अच्छी तरीके से हमें आप बतलाएं। तो चलिए आज हम मात्र इसे जानेंगे कि ये आउटलाइन किस तरह से दिया जाता है। तो इसे हम शुरू किए हुए हैं, देखिए सबसे पहला तो ये इसका लंबाई, ये जुगल जोड़ी में 18 इंच के जुगल जोड़ी का दुपट्टा है और इसका लंबाई है पूरा 36 इंच और इसका जो ये चौड़ाई है ये है 12 इंच। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेने के बाद आउटलाइन दे रहे हैं, तो हम यहाँ से शुरू किए हैं ताकि ये कोना पर भी अच्छा तरह से हम दे सकें। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, 3 6 9 9 चेन डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ से हम स्टार्ट किए और एक बनाए, 3 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे लाकर यहाँ बंद किए, फिर से यहाँ पे हम बनाए, फिर 3 के बाद फिर 3 यहाँ बनाए, अब यहाँ साइड में इस तरह से हम बना चुके। तो इसका जो हम बनाते हैं वो इस साइड पे जब हम बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया बीच करके हम यहाँ पे देते हैं और इस साइड में जो हम दे रहे हैं वो एक आप अंदाज से दे लें, जैसे एक डबल क्रोशिया के बाद फिर एक डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से दे लें आप। तो देखिए अब हम चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो हम इसे बनाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 4 चेन ले चुके हैं, यहाँ पे चेन की संख्या हम 4 रखे हुए हैं। तो देखिए 4 चेन हम ले चुके हैं, अब देखिए अब हमें करना क्या है, बल लेंगे। बल लेने के बाद इसी स्थान से हुक को डालकर ये डबल क्रोशिया भी नहीं बनाना है, हमें मात्र 2 का एक करना है। इसके बाद ये हमारे पास अब 2 आ गया, 2 बल यहाँ पर हमारे पास आ गया, फिर से बल लेना है और फिर से इसी स्थान से निकालना है और फिर 2 का एक करना है। देखिए अब हमारे पास 3 आ गया, फिर से बल लेंगे और फिर से इसे निकालेंगे, अब हमारे पास देखिए 4 आ गया, 1 2 3 4। तो हम जब भी यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4 1 5 5 में करेंगे, तो फिर से एक बार बल लेंगे और फिर से हम इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए अब हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 5 आ गया, अब 5ों को हम एक साथ इस तरीके से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक चेन ले लेंगे और एक चेन हम यहाँ पे डाल दिए, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे बीचों बीच में हुक को डालेंगे और डालने के बाद इसे जोड़ लेंगे, ये हम जोड़ दिए, देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर तैयार हो गया। अब फिर से हम लेंगे चेन 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा अगर आप 4 चेन लेंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा तो देखने में खूबसूरत लगेगा, अगर आप 3 चेन लेंगे तो थोड़ा सा सिकुड़न टाइप का आ जाएगा। और यहाँ पे जो हम क्रोशिया यूज कर रहे हैं वो 11 नंबर का क्रोशिया यूज कर रहे हैं। अब देखिए फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे, 1 हमारे पास 2 है अभी, फिर से बल लेंगे, एक बार और बनाएंगे, ये हो गया 3, फिर से बल लेंगे, एक बार और बनाएंगे, देखिए ये हो गया 4, फिर से बल लेंगे, एक बार और बनाएंगे, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, 5ों को एक साथ बंद करेंगे। अब एक चेन और बंद करेंगे और फिर से हम 1 2 3 3 के बाद यहाँ लाकर बंद कर लेंगे, फिर से 1 2 3 4। तो इसी तरह से हम इसे बनाए हुए हैं, देखिए ये जब बनकर आता है सामने काफ़ी खूबसूरत लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।